तो वैदिक ज्योतिष में जो सबसे पहली ब्रांच कहे या शाखा कहे उसमें जो नाम आता है वो बृहत पराशर होरा शास्त्र का आता है। तो ज्योतिष से जुड़े जितने भी हमारे क्लासिक्स हैं उनमें सर्वप्रथम जो है वो बृहत पराशर होरा शास्त्र है, जो पराशर जी द्वारा रचित है। और इसके अंदर क्या है ना, ये एक तरह से एक टीचर, एक गुरु का और एक शिष्य का संवाद है। तो यहां पर पराशर ऋषि जो है वो अपने शिष्य मैत्रेय से संवाद कर रहे हैं, और जो मैत्रेय है वो पराशर जी से कुछ सवाल कर रहे हैं, और सवालों के जवाब जो है वो पराशर जी उनको दे रहे हैं। तो जब कोई ज्योतिष की शुरुआत करता था पहले, तो नॉर्मली वो पराशर होरा शास्त्र से ही अपनी शुरुआत करता था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने संस्कृत के चलते, कि भाई इसके अंदर जो श्लोक हैं वो संस्कृत के हैं, तो लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी क्या है कि तुम लोग ये बृहत पराशर होरा शास्त्र जो है ये अगले 6 महीने इसको पढ़ने वाले हो, और हम इसमें जो बेसिक है, जो बेसिकली मूल सिद्धांत है वैदिक ज्योतिष के, उनको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनके अंदर हम सारे उन्हीं विषयों का यूज करेंगे, उन्हीं जो है वो टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे जो पराशर जी ने इसके अंदर लिखी हुई है। एक तो ये हो गया कि हमने चीजों को मॉडिफाई कर दिया, और एक है कि जो ऋषि परंपरा कह रही है, जो शास्त्र कह रहा है, उस शास्त्र के आधार पर हम इसको कैसे समझेंगे। तो हम वो जो देश काल पात्र की भी जो स्थिति है कि वो उस समय का कहा गया शास्त्र आज के समय में किस तरीके से वो रिलेट कर रहे हैं आपस में, उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो यहां पर जो मैत्रेय है वो सबसे पहले पराशर जी से ये पूछते हैं कि जो इस जगत में, इस जगत का उद्धार करने वाला जो ज्योतिष शास्त्र है और उनकी जो 3 शाखाएं हैं, तो 3 शाखा जो है ज्योतिष की वो है होरा, गणित और संहिता। याद रखना है, 3 शाखाएं हैं, होरा, गणित और संहिता। गणित, तो जब गणित वर्ड आया तो तुम्हारे दिमाग में वर्ड क्या है, मैथमेटिक्स। तो बेसिकली यहां पर जब ज्योतिष में हम गणित की बात कर रहे हैं तो दैट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, नॉट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। यानी ग्रहों का जो गति है, ग्रह जिस प्रकार मूवमेंट कर रहे हैं, उनका जो भी दृष्टिकोण है, जिस तरीके से वो विचरण कर रहे हैं, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, वो हो गया। संहिता का मतलब क्या हो गया कि कई सारे जो हैं वो रूल्स हैं, एक बंच ऑफ सेट जो है, सेट ऑफ रूल्स वो तैयार हो गया, उसको फिर उसके आधार पर स्टडी किया जा रहा है। फिर तीसरा जो है वो होरा है। तो बेसिकली होरा जो है वो नेटिव की होरोस्कोप पर अप्लाई होता है, इसको हम कहते हैं जातक की कुंडली। तो जो जातक की कुंडली है वो होरा पर बेस्ड है, इसलिए शास्त्र का नाम क्या है, शास्त्र का नाम है बृहत पराशर होरा शास्त्र। इसलिए वो शास्त्र है जो आपकी, मेरी या किसी की भी जन्म कुंडली पर अप्लाई होगा। तो ये इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जब मैत्रेय संवाद कर रहे हैं पराशर जी से, तो पराशर जी से वो ये पूछते हैं कि इस जगत में, इस जगत में उत्पत्ति का कारण कौन है। जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको वो चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको ये सब चीजें सरल फॉर्म में बता रहा हूं ताकि जब आप इसको फिर दोबारा पढ़ो तो आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। तो वो क्या कह रहे हैं कि उत्पत्ति का कारक सूर्य है, सन इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। तो अब उत्पत्ति से वो क्या कहना चाह रहे हैं, अब जन्म कुंडली के अंदर जो है वो ओवरऑल कितने भाव हैं, 12, उसमें सूर्य किसी एक भाव में होगा। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी उत्पत्ति जो है वो सूर्य के कारण हुई। क्यों? क्योंकि हमने सुना भी इस चीज को है, क्या सूर्य किस चीज का कारक है, आत्मा का कारक है। आप किस रूप में आए, आप जीव आत्मा के रूप में आए, तो आप, आपकी उत्पत्ति का कारण कौन हुआ, आपकी उत्पत्ति का कारण सूर्य होगा, राइट। सूर्य जिस भाव में बैठेगा वो आपकी उत्पत्ति का एक भेद आपको देगा,
आगे हम इसको संक्षेप में पढ़ेंगे, बट अभी शॉर्ट के लिए ये समझो कि सूर्य जिस भाव में बैठा है वो आपकी उत्पत्ति का एक भेद आपको कहीं ना कहीं दे रहा है, वो ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से हम और समझेंगे, बट वो कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि किसी का सूर्य षष्ठ भाव में, छठे भाव में है, जैसे मेरा सूर्य छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बहुत हद तक संभव है कि इस व्यक्ति की उत्पत्ति का जो कारण है वो सेवा है। दिस पर्सन हैज टेकन बर्थ टू सर्व, छठा घर सर्विस का है, राइट? तो अब किसी का पंचम भाव में है तो इसका अर्थ है इस व्यक्ति की उत्पत्ति का कारण जो है वो ज्ञान को ग्रहण करना या ज्ञान को देने के लिए हुआ है। तो सूर्य की जो पोजीशन है ना वो कहीं ना कहीं उत्पत्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर पराशर जी मैत्रेय को ये बता रहे हैं कि हर ग्रह के अपने कुछ सिग्निफिकेशंस हैं। तो जब आप देखोगे इसको, खोलोगे पराशर होरा शास्त्र को, तो आपको हर प्लेनेट के कई सारी चीजों का पता चलेगा। जैसे प्लेनेट का एक तो हो गया सिग्निफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं, राइट? सिग्निफिकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कारक तत्व। जैसे हम कहें भाई सूर्य कौन? सूर्य पिता का कारक, सूर्य प्रसिद्धि का कारक, सूर्य जो है हमारे अथॉरिटी का कारक, राइट? तो एक तो हो गया प्लेनेट का सिग्निफिकेशन, फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्लेनेट का वर्ण। वर्ण, अब वर्ण को अगर आज के मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में समझो तो वर्ण का मतलब ऐसा है जैसे हम कहें कैटेगरी। व्हाट इज योर कैटेगरी? तो सोसाइटी चार वर्णों में जो है वो कैटेगराइज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब यहां पर हर प्लेनेट का वर्ण क्यों डिफाइंड है, उसके पीछे रीजन क्या है? फिर जरूरत क्या पड़ी ऋषि को यह बताने की कि इस ग्रह का वर्ण ये है? वो जरूरत इसलिए पड़ी कि हर वर्ण की एक स्पेशलिटी है, हर वर्ण की एक स्पेशलिटी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है या कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण यदि वर्ण है तो इसका अर्थ यह है कि जिस ग्रह का वर्ण ब्राह्मण है वो ग्रह ज्ञान से संबंधित कार्यों के अंदर वर्णित है। जो ज्ञान से जुड़े जो कार्य है उनके अंदर वो प्लैनेट जो है वो वर्ण द्वारा कैटेगराइज है। इसी प्रकार अगर कोई क्षत्रिय वर्ण में कोई ग्रह है, जैसे सूर्य और मंगल क्या है? वो क्षत्रिय वर्ण है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य और मंगल कहां अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे? वो वहां कंफर्टेबल फील करेंगे जहां उनका रोल एक क्षत्रिय का होगा, प्रोटेक्ट करने का होगा। इसलिए आप देखोगे कि डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में आपको सूर्य और मंगल की भूमिका दिखाई देगी। तो यहां आपको यह समझ में आएगा कि जो ऋषि वर्ण की बात कर रहा है वो ऐसे ही नहीं कर रहा। यू हैव सूर्य और मंगल इन द 10th हाउस मींस द प्रोफेशन इन विच यू आर, यू मे बी वर्क लाइक अ वॉरियर, आप एक क्षत्रिय की भांति कार्य करेंगे, राइट? इसी प्रकार तीसरा वर्ण क्या आता है? वो आता है वैश्य, मींस द मर्चेंट क्लास। अब वैश्य में कौन आते हैं? मून एंड मरकरी। ब्राह्मण में कौन आता है? जुपिटर एंड वीनस। तो मून एंड मरकरी कौन है? ये ट्रेडर्स हैं, दे लव टू डू बिजनेस। तो व्हेन यू सी के 10th हाउस में किसी के चंद्रमा और बुध है तो वो व्यक्ति जो कोई भी काम करे लेकिन उसका जो एक बिहेवियर पैटर्न होगा, एक वर्किंग पैटर्न जो होगा ना, वो ठीक एक बिजनेसमैन के भांति होगा। जिस प्रकार एक बिजनेसमैन एक सोच के साथ एक कार्य करता है ना, ठीक उसी प्रकार ये व्यक्ति अपने कर्म को करेगा। जब चंद्रमा और बुध जो है उसके वहां होंगे, वहीं अगर मैं कहूं किसी का सूर्य और मंगल जो है वो 10th हाउस में है तो उसका जो काम करने का तरीका कैसा होगा? एक वॉरियर जैसा होगा, एक वॉरियर जैसा होगा। अब इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका सूर्य और मंगल 10th हाउस में है वो ज्योतिषी नहीं बन सकता, लेकिन यदि वो ज्योतिषी हुआ भी तब भी उसके वर्किंग पैटर्न में आपको वो क्षत्रिय गुण जो है वो दिखाई देंगे, बिकॉज वो उसका वर्ण है। तो चौथा वर्ण क्या हुआ? चौथा वर्ण हुआ शूद्र।
व्हाट इज शूद्र? द वन हु इज इन सर्विस, जो भी व्यक्ति सेवा में है वो शूद्र है। इसलिए तुम देखोगे जब सैटर्न किसी का टेंथ हाउस में बैठता है या फोर्थ हाउस में बैठता है और वो टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है, इसका अर्थ यह है कि आपके कर्म में कहीं ना कहीं सेवा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। योर वर्क, वट एवर कर्म यू विल परफॉर्म, तो इट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन योर प्रोफेशन। तो इसलिए हमने इसको वर्ण को लिया। हम हर क्लास के अंदर हर चीज को स्टडी करेंगे, बट मैं अभी ओवरऑल एक व्यू दे रहा हूं क्या है। फिर थर्ड पे क्या आता है? थर्ड पे आता है एलिमेंट, वी कॉल इट तत्व। कौन सा तत्व है? फॉर एग्जाम्पल सन एंड मार्स अग्नि तत्व है, मून एंड वीनस जल तत्व है, मरकरी क्या है? मरकरी इज अर्थ एलिमेंट। सैटर्न राहु क्या है? ये एयर एलिमेंट है। जुपिटर क्या है? स्पेस एलिमेंट है। तो एलिमेंट के आधार पर भी चीजों को आप देख सकते हो। अब आप कहोगे जी यहां पे एलिमेंट का काम क्या है? तो एक ज्योतिषी के लिए एलिमेंट्स को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात को समझना, ये बात गुरुदेव ने भी एक वीडियो में अपने कही है कि जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं उन सभी ऋषियों में जो तत्व ज्ञानी ऋषि हुए हैं, जिन्हें तत्वों का संपूर्ण ज्ञान था, वो पराशर जी थे। तो पराशर जी वॉज द वन हु वॉज हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स। अब आप कहो जी एलिमेंट क्या कर देंगे? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एस्ट्रोलॉजी आप करते क्यों है? एस्ट्रोलॉजी आप इसलिए करते हैं ताकि आप किसी व्यक्ति के भूतकाल को, उसके पास्ट को जान सके, उसकी प्रेजेंट का एक आइडिया ले सके कि वो प्रेजेंट में उसकी सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में इसकी सिचुएशन कैसी रहने वाली है। और अगर कोई व्यक्ति इन तीनों बातों को जान पाए तो आप समझिएगा उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? त्रिकालदर्शी। क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। द वन हु कैन सी द थ्री पार्ट्स ऑफ टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब ये जो त्रिकालदर्शी बनाने की जो आपको योग्यता है ना, वो किस ग्रह में है? अब ग्रह से पहले आपको एलिमेंट जानना होगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जो आपको तीनों काल का भेद जो है वो खोलता है। दैट इज स्पेस एलिमेंट। एंड विच प्लैनेट इज स्पेस एलिमेंट? आकाश तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह कौन सा है? आकाश तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह है जुपिटर। इट इज बृहस्पति। वो बृहस्पति है, इसलिए क्या कहा उसको? इसलिए उसको ज्ञान का कारक कहा। आप लोगों ने कितनी बार ये शब्द सुना होगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स। व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स? जुपिटर इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर आप जुपिटर को काउंटर कर लेते हैं, जुपिटर को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट, एलिमेंट्स के अपने रोल है। फिर इसके बाद क्या आया? एलिमेंट्स के बाद क्या आया? देन कम्स गुण। अब गुण कितने हैं? त्रिगुण है, सत्व, रजस एंड तमस। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? अब क्या जरूरत पड़ गई पराशर जी को सत्वगुण देने की? वो तो सिंपली प्लैनेट्स बताते आपको और बात खत्म कर देते। उन्होंने ये तीन गुणों को आपको इसलिए आइडेंटिफाई कराया क्योंकि जब आप प्लैनेट्स को डिफरेंशिएट करोगे तो हर प्लैनेट के अंदर गुण जो है वो बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है सत्वगुणी प्लैनेट कौन है? सत्वगुणी प्लैनेट है सन, मून, जुपिटर। दीज आर सत्वगुणी प्लैनेट। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है
कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को उसके हॉरोस्कोप से जब तुम एनालाइज करते हो, तो उसकी पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए आप सर्वप्रथम किस घर पे दृष्टि डालते हो? विच हाउस? फर्स्ट हाउस. फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, बिकॉज फर्स्ट हाउस से आप एक आइडिया लेते हो कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, ये व्यक्ति है कैसा, राइट? तो आप किसी की पर्सनालिटी को जज किन किन दो फैक्टर्स से करते हो? लग्न से और लग्न लॉर्ड से. भाई फर्स्ट हाउस से आप एनालाइज करते हो और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड से करते हो. अब फॉर एग्जांपल, ये मैं क्यों बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल किसी के फर्स्ट हाउस में मून बैठा है और जो उसका फर्स्ट लॉर्ड है, जो उसके प्रथम भाव का स्वामी है, दैट इज कंजंक्ट विद जुपिटर. फर्स्ट हाउस में कौन बैठा? मून. फर्स्ट लॉर्ड किसके साथ आया? जुपिटर के साथ. कौन से गुण के प्लैनेट हैं? सत्वगुणी प्लैनेट है. उस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता ज्यादा होगी, राइट? अब आप कहो कि मैं आपको कहूं कि ये सत्वगुणी व्यक्ति है, राइट? तो अब सत्व गुण का कोई रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, कोई व्यक्ति लगा के तो घूमता नहीं है कि देखो भाई मैं सत्व गुणी हूं. तो तुम ये पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये व्यक्ति जो है सत्व गुणी है? हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस पर्सन इज सत्व गुणी? कैसे? आपको नहीं लगता कि अगर आपको अपने जीवन में आप किसी व्यक्ति को बहुत संतोषजनक स्थिति में पाओगे कि यार ये व्यक्ति बड़ा सेटिस्फाइड सा व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर बड़ा सेटिस्फेक्शन दिखता है, बहुत मारा मारी नहीं दिखती, तो आपको क्या लगता है किस गुण की प्रधानता उसके अंदर ज्यादा है? अगर वो उसके अंदर संतोष है तो सतो गुण की है. अगर वो 24 घंटे फ्रस्ट्रेटेड है, लड़ने के लिए घूम रहा है, जेलेसी उसके अंदर है, तो फिर किस की प्रधानता ज्यादा है? और तमोगुणी प्लैनेट कौन है? ये तमोगुण है. रजस क्या है? विनस मरकरी. दीज आर द गुणा ऑफ प्लैनेट. ये गुण है प्लैनेट्स के. इनके आधार पर आप व्यक्ति की पर्सनैलिटी का आइडिया लगा सकते हो. ऐसे ही आप जब प्लैनेट को डीकोड करोगे, अब आप कहो कि ये हमें जानने की आवश्यकता क्या पड़ी, ये हमें जानने की आवश्यकता क्या पड़ी, भाई क्यों क्यों हमें वर्ण बता रहे हैं, क्यों हमें एलिमेंट बता रहे हैं, क्यों हमें गुण बता रहे हैं, क्यों हमें रजस तमस ये सब चीजें बताई जा रही हैं? क्योंकि इसका एक उत्तर है, इसका इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है. आप सब लोग जब ज्योतिष पढ़ते हो तो ज्योतिष में एक बात आती है कि हम कौन सा रत्न धारण करें, हम किस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करें, हम किस ग्रह को बल दें. तो अब एक बात का सदैव स्मरण रखना, क्योंकि ये सब चीजें पराशर जी ने ऑलरेडी डिफाइन की है. तो पराशर जी ने एक बात कही है कि जब आप एक ग्रह को बलि करेंगे या उसको ट्रिगर करेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप मेष लगन के व्यक्ति हो और आप शनि को बल देंगे, तो शनि के बल देने से आपका दशम भाव यानी कि आपका कर्म और एकादश भाव आपकी आय, ये दोनों बढ़ेंगे. उसके साथ जैसे ही आप शनि को बल देंगे, उसका वर्ण जो था वो एक्टिवनेस में आ जाएगा, उसका एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा. शनि का एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट है. तो आपने मान लो नीलम रत्न धारण कर लिया, अब इसका अर्थ साफ है कि आपके अंदर एयर एलिमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा. अब एयर एलिमेंट क्या करेगा? एयर एलिमेंट अगर आपके शरीर में अगर वायु तत्व की प्रधानता है, तो अगर कोई तत्व ऑलरेडी आपके शरीर में अधिक रूप में मौजूद है, उसकी परसेंटेज ज्यादा है, तो उसको और बढ़ाने से क्या होगा? वो इंबैलेंस हो जाएगा.
समझ रहे हो, इंबैलेंस हो जाएगा। और अगर उसकी बहुत ज्यादा कमी है आपके बॉडी के अंदर और फिर आप उसको धारण कर रहे हो तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका अर्थ क्या है कि जब आप किसी भी ग्रह को बल दे रहे हैं तो उसके एलिमेंट को भी बल मिलेगा, फिर उसके गुण को भी बल मिलेगा, राइट? उसके गुण को भी बल मिलेगा। तो अब यहां पर जैसे सैटर्न है तो सैटर्न के अंदर क्या है, तमोगुण है, तो उसका वो गुण भी एक्टिव होगा, राइट? तो मैं जब बहुत पहले, मेरे को याद है कि जब मैं एक हमारे इधर पंडित जी हुआ करते थे, तो अभी भी होंगे, काफी समय से मिला नहीं, तो उनसे रत्नों को लेकर चर्चा हो रही थी। तो एक दिन वो ये कहते हैं कि भाई मैं किसी को जब पुखराज पहनाता हूं ना, तो पुखराज पहनाने से पूर्व मैं बहुत ज्यादा विचार उस पर नहीं करता कि भाई ये व्यक्ति कौन है, किस लगन का है। मैं पुखराज पहना देता हूं, मैंने पुखराज के कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखे, ये उनका कहना था। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को, मैं उसी आधार पर किसी को रिकमेंड करूंगा, लेकिन मैंने इस बात पर विचार किया कि भाई वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या इस बात में सत्यता हो सकती है। तो मुझे कुछ चीजों का समझ में आया, मुझे यह समझ में आया कि जब आप पुखराज को धारण करोगे और क्योंकि आप उसका संबंध बृहस्पति से लेकर चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले सिग्निफिकेशन को एक्टिव करेगा, उसके कारक तत्व को एक्टिव करेगा, उसके बाद वो उसके वर्ण को एक्टिव करेगा, फिर वो उसके एलिमेंट को एक्टिव करेगा। तो जुपिटर क्या है, जुपिटर स्पेस एलिमेंट है, अभी बताया था मैंने आपको स्पेस एलिमेंट है। तो आपको जरा ये विचार करके देखो कि हमें ऑलरेडी तत्व के अंदर, जब तत्व शुद्धि को आप देखोगे तो तत्व शुद्धि के अंदर ये बात स्पेशली मेंशन्ड है कि अगर आपको अपनी इंट्यूटिवनेस को बढ़ाना है या त्रिकालदर्शी बनना है तो आपको अपने आकाश तत्व को साधना होगा, आकाश तत्व की साधना करनी पड़ेगी। और यदि आपकी बॉडी में वो एक जो एलिमेंट है आकाश तत्व, वो इंबैलेंस है या वो बहुत ज्यादा कमी में है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ करने से वो आकाश तत्व आपका बैलेंस हो जाए, तो वो गुण भी एक्टिव होगा, जो उसका गुण है सत्वगुण वो भी एक्टिव होगा। इसका अर्थ क्या है कि जब भी आप किसी प्लेनेट को स्टडी करेंगे ना, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी सामने आती चली जाएंगी, ठीक है? तो वैसे तो हम हर प्लेनेट को संक्षेप में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं, जिन उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि इस शास्त्र को पढ़ना क्यों आप लोगों के लिए जरूरी है, क्यों इससे अपने बेस को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तुम लोग बोल रहे थे कि वे केपी एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी सरल है, अवश्य सरल है, लेकिन जब तक आप पराशर ज्योतिष को या बृहद पराशर होरा शास्त्र जैसे क्लासिक को नहीं समझोगे, उससे अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन नहीं करोगे, आप ज्योतिष के अंदर प्रगति नहीं कर पाओगे, आपको वापस बेसिक्स पर आना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, अब समझना इस बात को। पराशर जी क्या कह रहे हैं, पराशर जी सूर्य ग्रह को डिफाइन कर रहे हैं, मैत्रेय उनसे पूछ रहे हैं, मैत्रेय ने पूछा हो कि भाई आप ग्रहों को या ग्रहों के रूप को, ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ग्रहों का जो चरित्र है उसको डिफाइन करें, उसको बताएं कि ग्रह क्या है, कैसा है, किस तरीके से मैं ग्रह की पहचान करूं। तो पराशर जी क्या कहते हैं, सूर्य शहद के समान। क्या बोला? अब यहां जो वर्ड वो बोल रहे हैं ना, उन वर्ड की बहुत वेटेज है, याद रखना ये चीज, हर वर्ड की वेटेज है। वो क्या कह रहे हैं, सूर्य शहद के समान भूरी आंखों वाला, सूर्य शहद के समान भूरी आंखों वाला। अब एक बात इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कि जिस व्यक्ति की आंखें आपको हनी कलर्ड दिखेंगी, उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सूर्य की प्रधानता दिखाई दे रही है? तो क्या कह रहे हैं कि सूर्य शहद के समान भूरी आंखों वाला,
लंबाई चौड़ाई युक्त शरीर वाला, लंबा चौड़ा भी है, ठीक है, लंबा भी है चौड़ा भी है, पवित्र आचरण करने वाला, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पवित्र आचरण करने वाला। आपने तीन चीजें सुनी होगी, आचार विचार और व्यवहार। ही इज टॉकिंग अबाउट आचार, योर कंडक्ट। तो पराशर जी कह रहे हैं जिसका एथिकल कंडक्ट बहुत अच्छा है, जिसकी आंखें शहद के रंग के समान है, जो लंबा चौड़ा भी है, और क्या कह रहे हैं, पित्त प्रधान प्रकृति, पित्त प्रधान प्रकृति। अब यह बात को समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या बोला, पित्त प्रधान प्रकृति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर सूर्य किसी का लग्न में है या लग्न लॉर्ड के साथ है, तो जब उसका नाड़ी परीक्षण किया जाएगा तो वो व्यक्ति पित्त प्रधान प्रकृति का हो सकता है। या विकृति की बात नहीं हो रही कि उसकी विकृति क्या है, विकृति तो कोई भी हो सकती है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो किस प्रकृति का है, तो वो प्रकृति कौन सी है, पित्त प्रधान प्रकृति है। तो आपने देखा होगा जो पित्त प्रधान प्रकृति वाले व्यक्ति होंगे ना, उनका कुछ आपको सिस्टम समझ में आएगा। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, इस उदाहरण को समझना, फिर आपको समझ में आएगा कि पराशर जी कितना बड़ा सूत्र आपको दे रहे हैं। पराशर जी कह रहे हैं कि सूर्य के कारण व्यक्ति की पित्त प्रधान प्रकृति होगी। तो आप देखोगे कि जो पित्त वाले व्यक्ति होते हैं ना, जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनको भूख लगती है, उनके अंदर जो भूख मतलब जो खाने का वो रहता है ना, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, उनके अंदर एग्रेशन की मात्रा भी बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, राइट? तो आप इससे एक अंदाजा लगाइए कि अगर कोई व्यक्ति जिसके लगन में सूर्य है या लगन लॉर्ड के साथ सूर्य बैठा है, तो जब उसका नाड़ी परीक्षण किया जाएगा तो क्या होगा, वो आपको पित्त प्रधान प्रकृति का व्यक्ति मिलेगा। और यहां पर उन्होंने लास्ट में एक और भी अच्छी बात कही है, कम बालों वाला। कितनी बड़ी बात बताई आपको, क्या बोला, कम बालों वाला। आप जीवन में कई लोगों को ऐसा देखोगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, नॉर्मली बालों की प्रधानता कम होती है, यानी कि जो बॉडी होती है वो आम तौर पर जैसे बाकी लोगों की हेरी बॉडी होती है, उनकी हेरी बॉडी नहीं होती। इसलिए आप क्या देखोगे कि जब किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में, किसी के बर्थ चार्ट में सूर्य की प्रधानता बहुत होगी ना, उसके शरीर पर बाल कम होंगे और हो सकता है उसके अंदर बाल्डनेस भी हो। इसलिए क्या कहते हैं, गंजेपन का कारक जो है वो कौन है, सूर्य है। तो गंजापन क्या है, वो किस चीज का कारक है, वो सूर्य का कारक है। तो आप इसको कभी नोटिस करना मैं क्या बोल रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा। आप प्रशासनिक पद पर बैठे हुए लोगों को देखिएगा, कभी जो प्रशासनिक पद पर बैठे होते हैं ना लोग, अथॉरिटी में बैठे होते हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं, वो किस ग्रह के द्वारा बैठे हैं, वहां सूर्य के द्वारा। आपको उनके अंदर बालों की प्रधानता कम मिलेगी, जो हेयर डेंसिटी है ना उनकी, या तो वो आपको गंजे मिलेंगे या तो बाल नहीं होंगे उनके, और यदि बाल हुए भी ना तो उनकी हेयर डेंसिटी आपको कम मिलेगी, उनके शरीर पर आपको कंपैरेटिवली बाकी लोगों की तरह बाल नहीं मिलेंगे। तो कहने की बात, पराशर जी ने कितना सटीक तरीके से एक व्यक्ति का रंग रूप आपको एक भेद के रूप में बता दिया, सूर्य शहद के समान भूरी आंखों वाला, चकोर अर्थात समान लंबाई चौड़ाई युक्त शरीर वाला, चकोर अर्थात एक जैसी लंबाई चौड़ाई वाला, ठीक है, एक सा नहीं लगता, जैसे कुछ लोगों का लगता है कि एक सा ही है इसका जो पूरा फिजिक है, राइट, पवित्र आचरण करने वाला, पित्त प्रधान प्रकृति और बुद्धिमान, बुद्धिमान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पराशर जी क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान। इसलिए क्या है, अब इस चीज को कैसे देख सकते हैं, मैं तुमसे कहूं वाणी का कारक ग्रह कौन है, हु इज द कारक ऑफ वाणी,
मरकरी। अब पराशर जी क्या कह रहे हैं, सूर्य का एक प्रभाव क्या, बुद्धिमान। तो आपको नहीं लगता कि जब मरकरी और सन कंबाइंड होंगे और एक अच्छा योग निर्माण करेंगे तो ये व्यक्ति जो है ये इसके अंदर वाक चातुर्य होगा, ही विल बी इंटेलिजेंट एंड स्पीच, हिज स्पीच विल बी गुड, राइट। तो दैट इज व्हाट पराशर जी इज सेइंग। अब वो क्या कह रहे हैं, अब ऐसे ही नेक्स्ट उन्होंने किस ग्रह का बताया, अब उन्होंने चंद्रमा का बताया, अब वो चंद्रमा को डिफाइन कर रहे हैं। और ये सब चीजें वो आपको क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि जब आपको ये सब चीजें माइंड में रहेंगी तब एक क्षण वो आएगा जब आप इन बेसिक्स को ध्यान में रखोगे, आप कुंडली के बिना भी किसी व्यक्ति के ऊपर किस ग्रह की प्रधानता है उससे आप डिकोड कर लोगे कि कौन सा ग्रह इस व्यक्ति को डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो वो चंद्रमा को क्या कह रहे हैं, चंद्रमा बहुत वात कफ वाला, बहुत क्या बोल रहे हैं, बहुत वात कफ वाला, यानी कि वात और कफ दोनों उस व्यक्ति के अंदर मिलेगा आपको जिसका चंद्रमा होगा। अब अंदाजा लगाना मैं क्या कह रहा हूं, इसकी कुंडली में, विनय की कुंडली में ये मिथुन लगन का जातक, मिथुन लगन के जातक की कुंडली में लग्नेश कौन हुआ, बुध हुआ। अब इसका बुध का है नवम भाव में, ठीक सामने तीसरे घर में कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा ने बुध पर अपने प्रभाव डाले हुए। अब इसने अभी कुछ दिन पहले अपना चेकअप कराया था, तो चेकअप करा के वो क्या बोला था डॉक्टर ने तुम्हें, क्या उस टाइम पे जब हम डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारी जो प्रवृत्ति है वो वात और कफ वाली है, ट्रांजिट में, और अभी दशा कौन सी चल रही है तुम्हारी, चंद्रमा की चल रही है, समझना बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जिस ग्रह की दशा चल रही है और जिस ग्रह को हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये ग्रह अभी इसकी पर्सनैलिटी में, क्योंकि उस ग्रह की दशा भी है और जन्म कुंडली के अंदर भी वो ग्रह लगन से या लग्नेश से संबंध बना रहा है, तो ये प्रकृति या ये नेचर इस व्यक्ति के अंदर मिलेगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, चंद्रमा बहुत वात कफ वाला, चंचल स्वभाव, चंचल स्वभाव, कामातुर, डिजायरस, मैं डिजायर आएगी ये खा लूं, ये कर लूं, ये मिल जाए, तो वो कामातुर, गोल मटोल शरीर वाला, गोल मटोल शरीर वाला। लगन लॉर्ड चंद्रमा के साथ है, लगन लॉर्ड चंद्रमा के साथ है, ठीक है, लगन में चंद्रमा है, दशा आ गई, अब देख लो इसका शरीर कैसा है, देख रहे हो, वो थोड़ा थोड़ी जो गोलाई जो है दिख रही है ना, वो बॉडी के अंदर एक गोलाई दिख रही है ना। अभी अगर सूर्य का इसका पिक्चर उठाओ कि हाउ ही वॉज इन सूर्य की दशा, तो आपको एक बिल्कुल इसकी डिफरेंट पिक्चर लगेगी, यार सूर्य में तो इसकी पर्सनैलिटी अलग थी, अब थोड़ा अलग है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे गोल मटोल शरीर वाला और मधुर वाणी बोलने वाला, मधुर वाणी बोलने वाला। लगन में चंद्रमा बैठा है, लग्नेश से चंद्रमा दृष्ट है, चंद्रमा की दशा आ गई, इस दशा में या अपने जीवन काल में यह व्यक्ति मधुरता से बोलेगा, ही विल हैव अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन वॉइस, राइट। तो हम हर प्लेनेट को ना डिकोड करेंगे। आज तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं यह चीज ताकि तुम रेडी हो जाओ कि अगले कुछ टाइम पर तुम लोगों ने क्या पढ़ना है। तो तुम लोग पढ़ोगे बृहत पराशर होरा शास्त्र, यू विल स्टडी एवरीथिंग, एवरीथिंग एज इट इज टोल्ड बाय ऋषि पराशर, जो पराशर जी ने बोला है उसी को ध्यान में रखकर तुम स्टडी करोगे, उसी को ध्यान में रखकर तुम ग्रहों के कारक तत्व बनाओगे, उसी को ध्यान में रखकर तुम ग्रहों के रिजल्ट बैड या गुड जैसे भी वो है उनके बारे में जो है अपना एक विवरण दोगे या उससे अपना एक एनालिसिस करोगे। इसको और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जन्म समय में,
अब सुनिएगा, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सूत्र दिया है यहां पराशर जी ने। जन्म समय में सर्व बलि, जन्म समय में सर्व बलि, और क्या कह रहे हैं कि भाई जब आपका जन्म हुआ उस समय सर्व बलि, सबसे ज्यादा बल किस ग्रह में था इसको उठाओ, इस ग्रह को अलग कर लो। या लग्नेश, या लग्नेश, या लगन नवांशेष, लगन नवांशेष, तो तीन प्लैनेट बोल दिए पराशर। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा, सर्वबली, लग्नेश, लगन नवांशेष। सर्वबली को कैसे देखते हो, जो अपनी राशि में हो, उच्च का हो, एग्जॉल्टेशन हो, वो प्लैनेट बली होता है। फिर पराशर जी ने कहा लग्नेश को ले लो, लग्नेश से मतलब क्या उनका, लगन लॉर्ड को ले लो। और लगन नवांशेष का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपका लगन जो है वो सिंह लगन का है, और सिंह लगन से आपका जो जन्म है वो वृश्चिक नवांश में हुआ है। किसमें हुआ है, वृश्चिक नवांश में। तो वृश्चिक नवांश का प्लेनेट कौन हुआ, लॉर्ड कौन हुआ, मंगल। तो पराशर जी क्या कह रहे हैं भाई, या तो जो तुम्हारी कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह है वो लो, या फिर आप सूर्य को लो यदि आप लियो लग्न में जन्म हो, या फिर जो आपका नवांश लग्न का लॉर्ड है उसको ले लो। उससे क्या डिफाइन होगा, उससे पराशर जी कह रहे हैं शरीर आदि से मनुष्य का शील, मनुष्य का शील आकार कैसा दिखेगा, वह स्वभाव का निर्णय करते समय उक्त बातों का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में आ गई तुम्हें, क्या बोला पराशर जी ने, अभी जिन दो प्लैनेट्स को हमने डिकोड किया, सूर्य को और चंद्रमा को, पराशर जी कह रहे हैं यदि सूर्य या चंद्रमा इन तीन ग्रहों में से एक आ जाता है, तो सपोज करो आपका लग्नेश हो गया सूर्य, लगन नवांशेष हो गया मंगल, और सबसे पावरफुल ग्रह कौन हो गया, बृहस्पति। तो इसका मतलब क्या है, पराशर जी कह रहे हैं आपके अंदर बृहस्पति, सूर्य और मंगल, इन तीन ग्रहों के गुण मौजूद होंगे आपके स्वभाव में, आपके दिखने में, आपके आकार में, आप ऐसे दिखोगे। अब मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि ठीक है पराशर जी ने ये तीन ग्रहों का सेट हमें दे दिया कि इनमें, अब इनमें सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा किसका प्रभाव होगा, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा बली होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। सपोज करो मंगल के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, मार्स के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो आपका शरीर, आपका स्वभाव कैसा होगा, मंगल वाला होगा। जो भी वो मंगल को लेकर डिफाइन करेंगे, वैसी आपकी पर्सनैलिटी, वैसी आपकी अपीयरेंस, वैसा आपका एटीट्यूड होगा। तो यहां पर पराशर जी ने हर प्लेनेट के एटीट्यूड को, उसके शरीर को, उसकी अपीयरेंस को डिफाइन किया है। तो उन्होंने हर प्लेनेट का एक जो वो है वो डिफाइन किया है। ठीक है, अब जैसे हम आगे जाएं, अगर आगे जाएं तो यहां पर पराशर जी एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ग्रहों की धातु, ग्रहों के स्थान और ग्रहों के रस कैसे हैं। अब देखो कितनी चीजें वो बता रहे हैं, मतलब हर ग्रह का कितना आपको विवरण वो दे रहे हैं। तो वो धातु से उनका मतलब क्या है, जैसे उन्होंने क्या लिखा कि जो आपका शरीर है तो उसके अंदर पराशर जी लिखते हैं हड्डी, हड्डी, हड्डी मीन्स व्हाट, बोन्स, राइट, चर्बी, हड्डी, खून, हड्डी, खून, मज्जा, त्वचा, चर्बी, वीर्य, स्नायु से सूर्य आदि ग्रहों की सात धातुएं हैं।
हड्डी को जोड़ दिया सन से, खून को जोड़ दिया मंगल से। तो इस तरीके से सारे प्लैनेट्स के साथ में उन्होंने धातु जोड़ दी कि आपके शरीर में ये जो बॉडी पार्ट है ये इससे जुड़ा हुआ। वीर्य, स्पर्म किससे जोड़ दिया? शुक्र से। ये शुक्र है, वीनस है, बीज कारक है। तो उन्होंने ये क्यों बताया आपको, किस लिए बताया, क्या जरूरत पड़ी आपको ये बताने की कि हड्डी सूर्य है? क्यों? क्योंकि जब आपके पास पत्रिका आए और आप किसी पत्रिका में सूर्य को एक नेगेटिव स्थिति में देखो तो आप क्या कहो कि क्या आपको हड्डियों की समस्या है? बिल्कुल। क्या आपको बोन्स का प्रॉब्लम है? और इसको अगर मैं वाइस वर्षा कर दूं कि कोई आपके समक्ष आकर बैठा है वो कह रहा है कि मेरे को हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहोगे? आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, आपको सूर्य स्टेंडन करना चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि जब आप आगे चल के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पुराने समय में जो वैद्य हुआ करते थे वो रत्नों की भस्म लोगों को दिया करते थे प्रॉब्लम में। बिल्कुल। भस्म क्या होता? पाउडर्ड फॉर्म। तो वो रत्न क्या करते थे, रत्न का चूरा बनाया और पाउडर्ड फॉर्म में व्यक्ति को खिला दिया। आपको नहीं लगता जब वो रत्न की भस्म दिया करते थे तो अगर कोई व्यक्ति बार बार हड्डी की समस्या की बात कर रहा है और आपको लग रहा है कि हड्डियों को लेकर ये व्यक्ति बहुत पीड़ित है, तो आपको नहीं लगता कि उस समय जब तक उसको हड्डियों की समस्या है आप एक माणिक उस व्यक्ति को धारण करा सकते हैं? क्योंकि माणिक धारण करने से क्या होगा, सूर्य में मजबूती आएगी। पराशर जी क्या कह रहे हैं, सूर्य का संबंध किससे? हड्डी से। मीन्स इफ यू आर स्ट्रेंथनिंग योर सूर्य मीन्स योर बोन्स विल गेट स्ट्रेंथन्ड। और वो रस क्यों बता रहे हैं, ग्रहों के रसों के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब आप आगे चल के ग्रहों के स्वाद के बारे में पता करेंगे तो स्वाद से भी आपको एक चीज पता चलेगी। जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें देता हूं, तुम कुछ लोगों को ऐसा देखोगे कि वो जब भी खाना खाएंगे वो खाने में एडिशनल सॉल्ट डालेंगे। खाना कैसा भी बना हो वो अलग से नमक लेंगे और नमक को डाल देंगे अपने खाने में। क्यों डालेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी नमक को डिजायर कर रही है। भाई आप पानी कब पियोगे, आप पानी लेकर कब पियोगे, जब आपकी बॉडी को क्या लगी है, प्यास। आपकी बॉडी नमक को क्यों डिमांड कर रही है, क्योंकि बॉडी में किस चीज की कमी है, सॉल्ट की कमी है। मतलब क्या है, आपका सूर्य वीक है। योर सूर्य इज वीक इन योर होरोस्कोप, दैट इज व्हाई योर सॉल्ट इनटेक इज मोर। अब इसको थोड़ा अलग वे में इसको समझने का प्रयास करो कि अगर हम किसी के सूर्य को बलि कर दें या वो अपने सूर्य को बलि कर ले आचरण के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा, जिन स्थान के अंदर सूर्य है उनके द्वारा, उस व्यक्ति की नमक ज्यादा खाने की जो प्रवृत्ति है वो छूट जाएगी। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहां पे तीन चीजों को उन्होंने डिफाइन किया है, धातु, स्थान और रस। स्थान क्यों बोला उन्होंने, स्थान इसलिए बोला कि उन्होंने क्या कहा, देवाल्य। देवाल्य, देवाल्य मतलब टेंपल, मंदिर। कनेक्टेड विद विच प्लेनेट, इट इज कनेक्टेड विद सूर्य। तो इफ समबडी इज गोइंग टू देवाल्य मीन्स ही इज गोइंग टूवर्ड्स प्लेनेट सन। नेक्स्ट इज जल स्थान, नेक्स्ट इज जल स्थान। तो व्हाट इज जल स्थान, जल स्थान इज द प्लेस ऑफ वॉटर, द प्लेस ऑफ वॉटर। तो आप किसी वॉटरी प्लेस पर यदि गए तो आपने किसको एक्टिव किया, आपने चंद्रमा को एक्टिव किया। तो पराशर जी कितनी, कितने रहस्य, कितनी चीजें आपको डिकोड करने के लिए दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इस शास्त्र की, जो तुम आगे पढ़ोगे, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुम्हें कोई सुपर साइंटिस्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाएगी।
वो तो सेल्फ स्टडी करके तुम स्वयं बनोगे, लेकिन तुम्हारा जो बेस है ना, जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, वो मजबूत हो जाएगा। तुम ये समझ जाओगे कि सामने वाला व्यक्ति जब इस प्रकार की बातें कह रहा है, इस प्रकार के कथन कह रहा है, इस प्रकार का शारीरिक बनावट उसकी है, इस प्रकार का चरित्र इस व्यक्ति का है, तो आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लोगे इस व्यक्ति पर किस ग्रह का प्रभाव है। और जो इन्होंने बात कही ग्रहों की धातु, ग्रहों की धातुओं के द्वारा आप इमीडिएटली समझ जाओगे किस प्लेनेट की खराबी है। Somebody is saying, कोई आपको कह रहा है कि स्पर्म काउंट कम है, बच्चा नहीं हो पा रहा, विच प्लेनेट इज डैमेज्ड? वीनस, वीनस इज डैमेज्ड। कोई कह रहा है कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, रिपोर्ट के अंदर कैल्शियम में प्रॉब्लम आ रही है, कैल्शियम की कमी आ रही है, विच प्लेनेट इज बैड? सन इज बैड। तो ये सब चीजें जो है वो बारी बारी संक्षेप में हम सिग्निफिकेशन के रूप में, वर्ण के रूप में, स्थान के रूप में, रस के रूप में, गुणों के रूप में, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। तो सेकंड क्लास से हम लोग प्लैनेट टू प्लैनेट उठाकर कि सूर्य क्या है, सूर्य को डीकोड कैसे करेंगे हॉरोस्कोप में, उस पर बात करेंगे। और इसी तरीके से बाकी सब नो प्लैनेट्स को करके देन वी विल मूव टू द हाउस पार्ट। और इन सब चीजों के अंदर हम अपनी कोई स्टडी नहीं करने वाले हैं, ध्यान रखना। अपना कोई दिमाग मत लगाना कि हमने किसी वीडियो में यह सुना है, हम किसी वीडियो में यह कह रहे हैं। सॉरी, योर रेफरेंस बुक इज दिस ओनली। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रह विद रेफरेंस टू ओनली व्हाट पराशर जी से, नॉट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट अदर्स क्लासिक्स आर से। एक तत्वदर्शी ऋषि ने अगर आपको कोई बात कही है तो वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस उस बात की है। तो हम पराशर जी को नमन करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं, जिसमें मैं तुम्हें प्लैनेट्स, उनके कारक तत्व और उनके गुणों के बारे में अवगत कराऊंगा। तो ये हमारा पूरा जो एक सेशन चलेंगे हमारे, वो सारे कंप्लीटली बीपीएचएस पर बेस्ड होंगे। यहां पर सब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर कराए जाएंगे, एंड बेसिक्स के बाद फिर हम जो पराशर जी ने दशाओं के बारे में कहा है, अंतर दशाओं के बारे में कहा है, प्रत्यंतर दशाओं के बारे में कहा है, हम उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो पूरा एक कोर्स चलने वाला है वो इस तरीके से चलेगा। तो इसको तुम करो, दूसरे व्यक्ति को भी बताओ, जो ताकि वो भी अपने बेसिक्स को क्लियर कर सके। और ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है सिर्फ तुम लोगों के लिए, हर किसी के लिए है, ताकि वो लोग जो किसी भी कारण से पराशरी को छोड़ दे रहे हैं, ये सोच के कि अरे यार पराशर जो ज्योतिष है उसके अंदर हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, हम किसी कॉन्क्लूजन पर नहीं आ पाते, तो यू विल अराइव एट अ कॉन्क्लूजन, डेफिनेटली यू विल अराइव। बट उस कंक्लूजन पर आने से पूर्व आपके बेसिक्स, आपके मूल सिद्धांत, उनका बहुत बलि होना जो है वो बहुत आवश्यक है। ठीक है जी, जय श्री राम।